खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। थाना मसौली अंतर्गत शुक्रवार की देर रात्रि थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोहम्मदपुर बाहू में मामूली कहासुनी के बाद एक पक्ष द्वारा एक 22 वर्षीय युवक को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार जिसकी हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। थाना क्षेत्र के शहादतगंज पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम मोहम्मदपुर बाहू में शुक्रवार की देर रात्रि उस समय गोली की आवाज़ सुनकर अफरा तफरी मच गई, जब शिव प्रसाद गौतम का 22 वर्षीय पुत्र ज्ञान सिंह घर से थोड़ी दूरी पर रखे छप्पर के नीचे सो रहा था। तभी गांव के ही कमलेश यादव अपने पुत्र सुनील यादव व अनिल यादव के साथ पहुंचकर कहासुनी करते हुए ज्ञान सिंह को गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची मसौली पुलिस ने घायल को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गोली सीने में लगी होने के कारण गंभीर हालत में लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह, सीओ रामनगर हर्षित चौहान सहित थाना रामनगर बदोसराय सफदरगंज की पुलिस मौके पर मौजूद है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है तथा पुलिस की छावनी बनी हुई है। देखिए बाराबंकी जनपद से ब्यूरो रिपोर्ट। मोहम्मदपुर बाहू थाना मसौली का गांव है, जहां पे शिवप्रसाद गौतम के लड़के ज्ञान प्रसाद गौतम को जो जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, उसके बाएं तरफ गोली लगने की सूचना मिलने पर जब यहां पे पुलिस मौके पे आई तो पता चला कि गांव के ही कुछ लोगों ने कुछ आसनाई के चक्कर में उसके ऊपर फायर किया था, जिसमें उसको तत्काल एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहाँ पर फर्स्ट एड दे करके उसको लखनऊ के लिए रेफर किया गया। अभी तक उसकी स्थिति ठीक है। तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यद्यपि जो संदिग्ध हैं उनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगा दिया गया है। मौके पर शांति है।